वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। गाइस, आज की वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो बहुत ज्यादा आपके लिए इंटरेस्टिंग है और बहुत होने वाली है आपके लिए हेल्पफुल। एंड गाइस, जैसे कि आपको पता है समर स्टार्ट हो गए, समर में हमारी स्किन बहुत ज्यादा हो जाती है डिहाइड्रेट और हमारी स्किन हो जाती है बहुत ज्यादा टैन, हमारी स्किन में बहुत ज्यादा हो जाती है पफिनेस, हमारी स्किन बहुत ज्यादा डल होने लग जाती है। तो आज मैं आपके लिए होम रेमेडी लेके आई हूँ जिसे आप घर पे ही होममेड फेस पैक बना सकते हैं और जो आपके लिए बहुत ज्यादा होने वाली है हेल्पफुल। कुछ मिनटों में ही अपनी स्किन को बहुत ज्यादा ग्लोइंग और ग्लासी बना सकते हैं। इससे एक तो आपका पार्लर का खर्चा भी बच जाएगा और घर पे ही आप अपनी स्किन को बहुत ज्यादा ग्लोइंग कर सकते हैं। एंड गाइज, मैं आपको बताऊंगी कि उस फेस पैक को आपको कब लगाना है और क्या गलतियां नहीं करनी है और किस तरीके से आप अपनी स्किन को ग्लोइंग ग्लासी बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको पूरी वीडियो एंड तक देखनी है और वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपको क्या करना है, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो बगल में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना है। इससे मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने खाली बाउल लिया, इसमें मैं यूज करूंगी मुल्तानी मिट्टी। हमारे फेस से ऑयल रिड्यूस करता है, स्किन में से व्हाइट एंड ब्लैकहेड्स को रिमूव करता है, स्किन को स्मूथ बनाता है। सेकंड मैंने यूज किया टर्मरिक, हमारी स्किन के हेयर्स को रिमूव करता है, सन टैन और एक्ने की प्रॉब्लम्स को दूर करता है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने यूज किया हुआ है लेमन। लेमन में से हमने सीड्स निकाल दिए हैं, इसमें ब्लीचिंग और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है, स्किन को लाइटिंग बनाने का काम करता है और हमारे रिंकल्स को भी ये रिड्यूस करता है। इसके बाद हम यूज करेंगे गुलाब जल, हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाने का काम करता है, रेडनेस और इरिटेशन को रिड्यूस करता है, फेस को क्लिंजिंग करने का काम करता है। अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। एंड जिनकी स्किन ड्राई है वो यहाँ पे एलोवेरा जेल भी यूज कर सकता है। मैं यहाँ पे यूज नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरी स्किन ऑलरेडी ऑयली है, तो आप स्किप भी कर सकते हैं जिनकी स्किन ऑयली है। पैक यूज करने से पहले फेस को अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना है, हेयर को टाइटली कवर कर देना है। अगर आपके पास पैक ब्रश नहीं है तो आप हैंड्स का भी यूज कर सकते हैं। अपने फेस पे अप्लाई करने के साथ अपने नेक पे भी अप्लाई कर सकते हैं। यू हैव टू यूज ट्वाइस इन अ वीक, रेगुलर आपको यूज नहीं करना है ये पैक, इससे आपकी स्किन ड्राई भी हो सकती है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इसे आप मॉर्निंग पे फेस वॉश के बाद भी यूज कर सकते हैं या फिर बिफोर स्लीपिंग नाइट में भी यूज कर सकते हैं। फेस ड्राई होने के बाद आप इसे वाटर से क्लीन कर सकते हैं, एक बार के रिजल्ट से आपको बहुत अच्छा फर्क दिखेगा और आपकी स्किन बहुत ज्यादा ग्लोइंग हो जाएगी और शाइनिंग हो जाएगी। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।